मैं अक्षय से मिली थी, उस होटल रूम में मिली थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि अक्षय कृतिका को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास कृतिका की कोई पिक्चर्स और वीडियोस है। कृतिका, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारा फोन देख के मैंने उसमें वो मैसेज देख लिया जिसमें अक्षय तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। वो तुम्हें कह रहा था कि अगर तुम उसे पैसे नहीं दोगी, उससे तुम नहीं मिलोगी, तो वो तुम्हारी पिक्चर्स और वीडियो वायरल कर देगा। वाह रे सियानों की महारानी, वाह! तुमने तो एक ही यॉकर बॉल पे पूरे के पूरे लूथरा खानदान को क्लीन बोल्ड कर दिया। चंद साहब, मेरे परिवार को ये तो पता था कि अक्षय कृतिका को ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मैं कृतिका की मदद कर रही हूँ। एक्चुअली मैं सबसे बहुत अलग हूँ, किसी से ज्यादा बात नहीं करती, अपना प्यार किसी को जता नहीं पाती, लेकिन मैं अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती हूँ, उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और जब मुझे पता चला कि करण और कृतिका मुसीबत में है, तो मैंने ठान ली कि कुछ भी हो जाए मैं इन दोनों पे कोई भी मुसीबत नहीं आने दूंगी। और इसीलिए मैं मेघा से बार बार मिलती गई, हारती गई, मिलती गई, लेकिन एंड में जो मुझे हासिल करना था मुझे वो मिल गया। मुझे प्रूफ मिल गया कि करण बेगुनाह है, उसे कुछ नहीं किया। वाओ, क्या घुमाया इसने! एक ही पल में इसने प्रीता की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। एक तीर से दो शिकार। ना सिर्फ इसने अपने आप को बेगुनाह साबित किया है, बल्कि पूरी फैमिली के दिल में अपने आप को बेस्ट बहू साबित कर दिया। मैं अपने परिवार वालों से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने ये सारी बातें आपको पहले नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि अपने परिवार को बचाते वक्त जिस दुख और दर्द से मैं गुजर रही हूँ, वही दुख और दर्द से आप भी गुजरो। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार वालों का नाम खराब हो। सबको ये तो पता है कि मेघा मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की मेघा मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रही थी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी उसी कारण से जिस कारण से अक्षय कृतिका को ब्लैकमेल कर रहा था। मेघा ने कहा कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो कृतिका की पिक्चर्स वायरल कर देगी। मेरे परिवार का नाम बदनाम कर देंगे। मैंने ठान दिया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार का नाम खराब नहीं होने दूंगी। इसीलिए मैं मेघा से बार बार मिलती गई, हारती गई, मिलती गई, लेकिन मैंने आखिर में वो सच उगलवा ही लिया जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि करण निर्दोष है, उससे कुछ नहीं किया। अगर ऐसी बात थी तो जब मिसेस प्रीता लूथरा ने आप पर इल्जाम लगाए उस वक्त आप खामोश क्यों थी? क्योंकि जज साहब, मेरे पास सबूत नहीं था। मुझे पता है कि कोर्ट इमोशंस पर नहीं सबूतों पर चलती है। मुझे लगा जैसे ही मेरे हाथ में सबूत आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन मुझे क्या पता था करण को बचाते बचाते मुझे खुद को बचाने की जरूरत पड़ जाएगी। जज साहब, ये फोन में वो सारी रिकॉर्डिंग है जिसमें मेघा मुझे धमकी दे रही है, उसे कहा कि वो मेरी जान ले लेगी। उसने मुझे वो सारी बातें बताई है कि उसे अक्षय का खून क्यों किया, लेकिन मुझसे रिकॉर्डिंग लाने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन जो मैंने बातें अदालत को बताई है वो सब सच है कि अक्षय का खून क्यों किया। जज साहब, एक औरत हर एक चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और औरत के पास जाए। मेघा से भी बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अक्षय का खून कर दिया। शर्लिन, अगर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिए ना तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें अक्षय के खून के इल्जाम में फंसा भी सकती हूँ। अगर मैं अक्षय के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठा सकती हूँ ना, तो फिर तुम क्या चीज हो मेरे सामने? ये सब मैंने शर्लिन से कब कहा था? जज साहब, आप इस रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं कि मैं मेघा से उसी होटल में मिली अक्षय के खून के बाद। मैं तो शर्लिन को बस जरा रही थी, पर इसने तो क्या इस वीडियो की डेट चेंज कर सकते हो? बहुत आसान काम है मैडम, हो जाएगा। बस जज साहब, मुझे आपको इतना ही कहना था, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले करण की लाइफ, करण की फैमिली, उसके करियर के बारे में सोच लीजिएगा, क्योंकि अगर कोर्ट से कोई गलत फैसला हो गया तो एक साथ कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। थैंक्स। सब तो प्रूव कर दिया था इसने, अब इस प्लीज की क्या जरूरत थी? ओह, लूथरा परिवार के दिल में अपना इंप्रेशन जमाने के लिए। आप प्लीज जाकर बैठ जाइए। हमने इतनी मेहनत करी और कुछ भी प्रूव नहीं कर पाए, और ये शर्लिन ने एक झटके में सारी कहानी पलट दी। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मेघा शर्लिन को ब्लैकमेल कर रही थी, तो यह अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि धारा 509 के तहत मेघा को गिरफ्तार कर लिया जाए। और धारा 302 के तहत अक्षय के खून की कार्रवाई की जाए, और यह अदालत करण लूथरा को दोषी ना पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। ये सब झूठ है जज साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप रुकिए। लेके चलो। प्रीता, प्रीता ने जो भी कुछ कहा कोर्ट में वो सब सच है जज साहब। मैं रिक्वेस्ट, छोड़ो मुझे, मेरे को नहीं जाना। गिरीश, मेरा करण आया, मेरा करण आया। अच्छा दादी प्लीज ध्यान से, आप गिर जाएंगी। मैं नहीं गिरूंगी, आरती की थाली लेकर आ, जल्दी आ गिरीश, जल्दी आ। हाँ, वो जंग पे थोड़ी जा रहा है जो आरती उतार रही हैं आप। तो नजर उतार रही हूँ इसकी। मॉम, थोड़ा प्यार शर्लिन से भी कर लीजिए। आज करण घर पे है ना, वो सिर्फ शर्लिन की वजह से। पर कृतिका ने तो मुझे कुछ और ही बताया। उसने कहा कि प्रीता लड़ रही थी करण के लिए। ये सच है कि प्रीता लड़ रही थी करण के लिए, करण को बेगुनाह साबित करने के लिए, पर शर्लिन को गुनहगार साबित करना चाहती थी वो। अरे मुझे साफ साफ बताओ बात क्या है प्लीज। मॉम, मैं आपसे साफ साफ कहती हूँ, कृतिका ने आपसे कहा कि प्रीता लड़ रही थी करण को बेगुनाह साबित करने के लिए, जो सच है, लेकिन कृतिका ने आपसे पूरी बात नहीं कही। प्रीता शर्लिन को गुनहगार साबित करना चाहती थी। कोर्ट में सबके सामने इसने कहा कि अक्षय का खून शर्लिन ने किया है। जबकि शर्लिन कितनी कोशिश कर रही थी करण को बेगुनाह साबित करने के लिए। वो हमसे कहती थी कि उसकी तबीयत खराब है, उसे डॉक्टर के पास जाना है, वो प्रेग्नेंट है। पर मॉम, सच तो ये है कि शर्लिन सबूत ढूंढ रही थी इस घर के बेटे को बचाने के लिए। हमारे करण को बचाने के लिए। मम्मी जी, शर्लिन मेघा से मिलती रही ताकि वो मेघा के मुंह से सच उगलवाए, और मेघा ने शर्लिन के सामने सच बता भी दिया। शर्लिन पुत्र, तूने बहुत अच्छा काम किया पुत्र, बहुत बड़ा काम किया। आज मुझे तुझ पे नाज है कि तू इस घर की बहू है। एक तरफ शर्लिन करण को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ वो अपने आप को बचा रही थी प्रीता अरोरा से। कोर्ट में मैंने तुमसे पूछने की कोशिश की थी कि तुमने पूरा इल्जाम शर्लिन पे क्यों लगा दिया। उस वक्त तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब पूरी फैमिली के सामने बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? करीना बुआ, जो हो गया सो हो गया। अच्छी बात यह है कि करण घर वापस आ गया। इट्स ऑल दैट मैटर्स। करण बेटा, तू फ्रेश हो जा, छोड़िए सब उतारेगा। चल प्रीता, अब प्लीज मुझे सॉरी मत बोलना। प्रीता, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी गलतियों के लिए मुझसे माफी मांगना चाहती हो, लेकिन इंसान तो यमराज से लड़ जाता है अपने पति को बचाने के लिए, और तुम तो, लेकिन लड़ते लड़ते तुम ये भूल गई जिस इंसान से तुम लड़ रही हो वो तुम्हारे घर की मेंबर है। पर इट्स ओके, तुम्हारा दर्द मैं समझती हूँ, तो सॉरी मत बोलना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए प्रीता, इतना बुरा किया तुमने शर्लिन के साथ, फिर भी शर्लिन ने तुम्हें माफ कर दिया। तुम्हें नहीं लगता प्रीता अरोरा कि तुम्हें शर्लिन को सॉरी कहना चाहिए? प्रीता, जो भी किया तुमने, जैसे भी किया, गलत किया ना पुत्र, तो माफी मांग लेना, क्या फर्क पड़ता है? प्रीता, मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही है। अब अपने मन में शर्लिन के लिए कोई मैल मत रखो। ये जो उलझे हुए रिश्ते हैं उन्हें सुलझा दो, सॉरी बोल दो। बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें लगा कि शर्लिन गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है। मुझे तो लगता है तुम दोनों देवरानी जेठानी में बस छोटी सी गलतफहमी हो गई थी, वो गलतफहमी दूर कर दो, सॉरी बोल दो शर्लिन को। गलतफहमी? रियली भाभी? एनीवेज, प्रीता अरोरा, शर्लिन को सॉरी बोलो। मुझे शर्लिन को सॉरी कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉरी शर्लिन। Okay, प्रीता दी, मुझे ना लेट हो रहा है, मैं घर जा रही हूँ। बाय बाय राखी आंटी, बाय एवरीवन। करीना पुत्र चल, सबके लिए मिठाई लेकर आ। चल सामी चल, हेल्प कर, चल। आप लोग भी फ्रेशन अप हो जाओ। गिरीश ये ग्लासेस उठा लो यहाँ से। रुक जाओ प्रीता, आगे पत्थर की गल है, परेशान लग रही है। समीर से लड़ाई हुई है नहीं? हाँ तो फिर की गल है? करण वापस आया है, सारे खुश हैं, पर तू क्यों दुखी है? मम्मा कैसी है जानकी आंटी? मम्मा ठीक है, सो गई है। मेरी बात को काट नहीं, बता गल की है। कुछ नहीं जानकी आंटी, आपको पता दी ने कितनी मेहनत की, कितनी कोशिश की जीजू को जेल से बाहर निकालने की, और वो नक्कटी डायन शर्लिन, उसने किसी तरह ये प्रूफ कर दिया कि अक्षय का खून मेघा ने किया है। और उसके बाद वो पूरी फैमिली, स्पेशली करीना मैम, उन्होंने दी से कहा कि शर्लिन से वो माफ़ी मांगे, क्योंकि दी ने कोर्ट में सबके सामने ये कहा कि शर्लिन ही असली गुनहगार है। लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। शर्लिन ने अक्षय का खून का इल्ज़ाम मेघा पे लगा दिया, और उसने जीजू को भी बचा लिया। तो जीजू को बचाने का जो क्रेडिट दी को मिलना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली शर्लिन के पास चला गया। सोच के मेरा दिमाग खराब हो। कैसी रही? ये तो एक छोटा सा ट्रेलर था। अगर आज के बाद तुमने मेरे खिलाफ एक कदम भी उठाया ना, तो मैं तुम्हें किस लेवल पे लाके रख दूंगी, तुम सोच भी नहीं सकती। आज तो सिर्फ सॉरी बुलवाए। आज के बाद अगर मुझे गुस्सा दिलाया, इस घर से बाहर निकलवा दूंगी, समझी तुम? आज जो तुमने किया है ना, मेरा यकीन और भी पक्का हो गया है कि तुम इस घर के लिए कितनी गलत हो। तुम पर ढेली का भी विश्वास नहीं किया जा सकता। लोगों की आंखों में धूल झोंकना, उनके इमोशन से खेलना, तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। तुम्हें तो पता भी नहीं प्रीता कि मैं किस हद तक कौन कौन से खेल खेल सकती हूँ। मुझे पता है शर्लिन, इसीलिए इस वक्त मेरे अंदर आग लगी पड़ी है कि किस तरह मैं तुम्हारा असली चेहरा इस परिवार वालों के सामने लाऊं। तुम इतनी घटिया और गिरी हुई हो कि तुमने अपना इल्जाम मेघा के सर मार दिया। मुझे अभी भी पता है कि अक्षय का खून किसने किया है और कैसे किया है। वो एक एक्सीडेंट था। ओके फाइन, मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। अक्षय की मौत मेरे आंखों के सामने हुई, लेकिन सच बता रही हूं, वो एक एक्सीडेंट था। तुम्हारा शक बिल्कुल सही था। अक्षय के फोन पे जो बकरा नंबर 3 के नाम से नंबर सेव था, वो मेरा ही था। लेकिन मैंने बिल्कुल भी झूठ नहीं कहा। मैंने कोर्ट में सच सच बता दिया। अक्षय मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कृतिका के लिए। वो कह रहा था कि अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगी तो वो कृतिका की पिक्चर्स और वीडियो वायरल कर देगा। मैं क्या करती? सही कहा तुमने, अक्षय तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन कृतिका के लिए नहीं, तुम्हारी प्रेगनेंसी के लिए। शॉक्ड हो गई ना? सोच रही हो कि मुझे कैसे पता है? मुझे पता है कि अक्षय तुम्हें तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि मैंने तुम्हारी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख ली है। अक्षय के घर में अब तुम्हारी प्रेग्नेंसी को लेकर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था? ऐसा क्या झोल है? इसके बारे में मुझे पता लगाना है, और एक बार मैंने पता लगा लिया ना तो वो सच में पूरे लूथरा खानदान के सामने ला कर रहूंगी, ये मेरा वादा है। अब तुम्हारा सच ज्यादा दिन छिपने नहीं वाला है। You just wait and watch. रुक जाओ प्रीता, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूं, अगर आज के बाद तुमने मेरे खिलाफ कोई भी जासूसी की ना, आज तो तुम्हारी फेवरेट बहू की पोजीशन छीनी है। अगली बार ऐसा ना हो कि तुमसे कुछ ऐसा छीन लूं जिसके बिना तुम जी नहीं सकोगी। और अगर आज के बाद मेरे परिवार के खिलाफ तुमने कुछ भी किया ना तो मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगी। चाहे तुम मुझे कितनी भी ऐसी खोखली धमकियां देती रहो, आई डोंट केयर। मुझे मेरे कमरे में आके मिलो। माहिरा, पृथ्वी से भी तो बात करनी है।